हेलो दोस्तों, मैं आज आपको जो ये कैरियर है डोंगी, इसको बताऊंगा ये हमें किस तरीके से सेट करनी है। और ये हमारा जो हुक शटल है, इसमें बहुत ज़्यादा पिले होती है, हमें पिले क्यों रखनी होती है और क्यों नहीं रखनी होती, उसका पूरा बताऊंगा कि इस पिले की वजह से मशीन धागा भी नहीं लेके आती ऊपर और सुई भी तोड़ती है। तो आप वीडियो में आकर तक बने रहना, मैं दिखाऊँगा किस तरीके से हमें ये इसकी डोंगी है ये सही करनी है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखना किस तरीके से करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हो इसमें किस तरीके की प्ले है। देखो इधर भी बहुत ज़्यादा प्ले है, ऊपर भी है और यहाँ भी है। अब इस प्ले से क्या होगा, मशीन सुई भी तोड़ेगी और धागा भी नहीं लेके आएगी ऊपर, तो हमें इसकी प्ले निकालनी है। तो किस तरीके से निकालनी है आप देखना। देखो दोस्तों अब क्या है कि इसकी ये प्ले तो निकली, पर अब इसमें बहुत ज़्यादा प्ले है, अभी देख सकते हो यहाँ पे भी है और इस तरीके से भी है, तो इसकी हमें प्ले निकालनी है अभी। और देखो दोस्तों अब इसमें क्या है कि इसकी ये प्ले ख़त्म हो गई, अब क्या है कि ये इसमें जरा सी भी प्ले नहीं है, इससे क्या है कि हमारी मशीन चल नहीं पाएगी, तो अभी हमें इसमें प्ले करनी है। दोस्तों अभी इसमें प्ले थी, अब क्या है कि हमें ये वाला हिस्सा ऊंचा करना है, ये मैंने इसमें हल्की चोट लगाई, अब ये हो गया। अब अच्छे से देखना वीडियो को, बहुत अच्छे से समझ में आएगी आपको जिस तरीके से। अब इसमें ये प्ले जो है ये इतनी नॉन रहनी चाहिए, इसमें प्ले आप देख सकते हो, मैं इसकी सिलाई दिखाऊँगा आपको कि मशीन कितनी अच्छी चलेगी है ये सेट करने के बाद। इन नाल के पेस्ट अच्छे से टाइट करो जिससे कि मशीन चले तो ये ढीले ना हो जाए, देख सकते हो इसमें पिले नहीं है। अगर हमारी ये जो साइट है, हमारी जो शटल की नॉक होती धागा लेके आती है, अगर इधर को ज़्यादा पिले है, इधर को पिले नहीं है, तो हमें ये नाल सेट करना होता है। तो इसमें क्या है कि यहाँ भी पिले बराबर, यहाँ भी और यहाँ भी, तो अब मशीन ना तो सुई तोड़ेगी ना ही इसका जो फंदा है ना वो छोड़ के आएगी। मैं इसमें बूट लगाता हूँ फिर आपको सिलाई दिखाऊंगा मैं। तो दोस्तों देख सकते हो आप मशीन की जो आवाज़ हो रही थी डोंग की वजह से वो बंद हो गई, और मशीन की सिलाई भी बहुत अच्छे से आ रही है, ना तो सिलाई में फंदा छोड़ के आ रही है ना कुछ भी। तो हमें जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ इसी तरीके से आपको अपनी मशीन की डोंगी सेट करनी है, कभी मशीन ख़राब नहीं होगी आपकी ना मशीन कभी सुई तोड़ेगी डोंगी की वजह से। आप देख सकते हो इतनी साफ सुथरी सिलाई आ रही है ये वाली। अरे दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में बताना, मैं आपके लिए वीडियो बना के डालूँगा उसी तरीके से।